हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज बहुत ही लंबे टाइम के बाद मुझे छुट्टी मिली है और आज मैं घर पे था, बिकॉज 4 दिन मेरी यूनी होती है एंड बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मुझे शिफ्ट नहीं मिलती है वीकेंड की। सो आज नहीं मिली बिकॉज थोड़ा कम बिजी होगा, सो मुझे शिफ्ट नहीं मिली। सो आराम से अपने लेट उठे एंड मैं भी उठ के बाहर आया तो मैंने देखा कि पार्सल डिलीवर हो रखा है। मैं एकदम से सोचने लगा कि क्या है, बट देन आई वॉज लाइक हाँ मुझे पता है क्या है, नया स्नीकर आया है। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स दिस। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पेयर। लेट्स टेक सम क्रेजी सिनेमैटिक्स वाइल अनबॉक्सिंग दिस एंड वो आप सब अब देखोगे आगे। सो जल्दी से चलते हैं और इसे खोलते हैं। क्या वेदर हो रहा है ऑल्सो आज मेलबर्न में, बहुत ही कम आजकल एक अच्छी धूप देखने को मिलती है, बट अच्छी बात है। जल्दी से इसको खोल के थोड़ी देर बाहर आके धूप में बैठते हैं मस्त। लेट्स गो। मुझे कमेंट्स में सबसे पहले पता हो जाके कि आपको पेयर कैसा लगा। दीज आर अप टेम्पोज एंड ये काफ़ी कॉमन है बिकॉज इंडिया में बहुत लोग पहनते हैं वाला सिलुएट, बट ये यूजुअली देखा होगा आप में से मोस्टली लोगों ने। तो इसका एक बीच में एक एडिशन आया था आई गॉट नेक्स्ट वाला एडिशन एंड ये मुझे बहुत ही कूल लगा था। आई गॉट नेक्स्ट इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेज यूज बाय बास्केटबॉल एथलीट्स जब वो शूट लेते हैं। सो हाँ आई थिंक आई एम राइट। सो मुझे बहुत ही कूल लगा था कलर पे, रेड ब्लैक वाइट, इट कैन नेवर गो रॉन्ग। शूज़ में ब्लैक वाइट रेड बहुत ही ऊंची कॉम्बिनेशन है। सो ये मुझे लेना था एंड मज़ा आ गया अनबॉक्स करके। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। इन शू में डिटेल्स, इतनी प्यारी डिटेल्स हैं शू में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इस पर जो पूरा एयर का जो अपना पेटेंट लेदर है उसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स का इफेक्ट दिया है नाइकी ने, विच इज़ सुपर सिक, बहुत ही अमेजिंग है। जो वाटर ड्रॉप वाले मार्क्स है ये इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि कोई बता नहीं सकता कि लाइक ये मैन मेड है। ये सच में ऐसे लग रहा है कि पानी के छींटे मार रहे हो किसी ने शू पे। तो आई एम सुपर हैप्पी विद दिस परचेज ऑब्वियसली एंड आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से कलेक्शन में नई नई अलग अलग तरह की चीज़ें मैं ला रहा हूँ एंड बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी एक आपको छोटा सा सरप्राइज दूँ मैं, जिसमें मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए, तो बहुत जल्दी वो दिखाएंगे। सो जूतों को डालते हैं वापस से अंदर एंड ये टाइम हो गया है जिम जाने का, तो फटाफट से चलते हैं जिम क्योंकि मूड अभी बहुत अच्छा है एंड अच्छे मूड में वर्कआउट करने चलते हैं। रिसेंटली आई जॉइन द जिम, सो अराउंड 7 से 8 महीने बाद जब से मैं इंडिया से आया था मैंने जिम नहीं किया था, छूट गया था। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई एकदम से। सो एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। पिछले 1-2 हफ्ते से कर रहा हूँ वर्कआउट। सो आज आप लोगों को लेके चलता हूँ वर्कआउट पे। लेट्स गो। Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. And well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush. Guys, यार अभी वर्कआउट खत्म किया है एंड ऐसा मौसम हो रहा है अभी मेलबर्न में, इतनी प्यारी बारिश हो रही है। मैं जिम से रहता हूँ 800 मीटर दूर, तो मैं रोज़ जिम जॉगिंग करते हुए आता हूँ, घर भी जॉगिंग करते हुए जाता हूँ। तो अपना बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट अच्छा कार्डियो भी हो जाता है थोड़ा सा। तो अभी घर जाना है भाग के एंड बारिश हो रही है शानदार, तो मैं थोड़े सिनेमैटिक्स में आपको मौसम दिखाता हूँ। घर चलते हैं, सब कुछ बैग में डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश थोड़ी तेज़ है। एज अ ब्लॉगर यार क्या क्या करना पड़ता है कुछ अच्छे शॉट्स लेने के लिए। पूरा भीग रहा था, फ़ोन गीला हो रहा है, बट नॉट एन ईजी लाइफ गाइज। पर कोई बात नहीं यार, कोई चक्कर नहीं है, एनीथिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज आप सब जानो मेरी, आई लव यू ऑल। अब घर चलते हैं, फ़ोन को डालते हैं बैग में क्योंकि भगना पड़ेगा, आज अम्ब्रेला नहीं है। Life is litty, the gift.